हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड टाइम हो गया है 3:27 AM। तो एज पर प्लान आई एम गोइंग टू स्टार्ट अराउंड 4 o'clock। गाइस, वेलकम बैक। एंड आई एम हैविंग माई कॉफी राइट नाउ एंड आप देख सकते हो कि लगेज इज ऑलमोस्ट पैक्ड। चलो, ऑल सेट नाउ। बस अभी शूज पहनने एंड हेलमेट एंड देन वी आर रेडी टू स्टार्ट। इग्निशन ऑन, ओडोमीटर इज 94,251। जय बजरंग बली। चल ये तो कम होम। बाय। ओके गाइस, सो द ट्रिप इज ऑन एंड ऑलमोस्ट एन आवर लेट, 5 बज चुके हैं एंड वी आर ऑल सेट। So it's day one of the coastal ride. Good morning guys, and we are heading towards Ahmedabad. So welcome back guys, and I'm about to reach Lonavala. It's just 6 kilometers from here, और ठंड थोड़ी सी बढ़ गई थी ऑन दी वे। So guys, I've hit the expressway and this is the only expressway in India where bikes are allowed for a short stretch around 5 to 6 kilometers. So guys, Panvel is 7 kilometers to go and Mumbai is 58 kilometers. सो गाइज, आई मिस्ड माई लास्ट टर्न टूवर्ड्स पनवेल, जो मेरा नॉर्मल रूट था, और ये कुछ नया रूट ले रहा हूँ मैं। ओके गाइज, सो आई स्टॉप फॉर अ क्विक नेचर कॉल और अभी टाइम हो गया है 7:46 एंड आई एम ऑन माई वे टूवर्ड्स ठाणे। फ्यूल लेवल इज़ वेरी लो और मुझे अभी टेंशन आने लगा है। मतलब पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे नियर दिस एरोली। शिट। तो अभी 8 बज चुके हैं एंड आई एम इन ठाणे सिटी राइट नाउ, looking for the exit towards Ghodbunder. So I just saw a board right now which says Surat 277 kilometers to go and Ahmedabad is more 250 kilometers from Surat. So almost 500 kilometers for Ahmedabad and the time is 8:15 right now. बाप रे, इतना ट्रैफिक क्यों है? शिट। अरे यार, ये कौन सा ट्रैफिक जाम लग गया है भाई?
Okay guys, so I had just stopped for a water break and Vapi is still 50 kilometers to go और टाइम हो गया है 9:44 एंड आई मस्ट स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट, नहीं तो लेट हो जाएगा. टाइम फॉर सम ब्रेकफास्ट एट दिस होटल न्यू जलाराम काठियावाड़ी. वेलकम टू गुजरात. आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट नाउ एंड द टाइम इज 10:45. स्टिल मेनी मोर किलोमीटर्स टू गो और अभी बहुत ही कम ब्रेक लेने पड़ेंगे अगर मेरे को टाइम पे पहुंचना है बिफोर इवनिंग. सो मूविंग ऑन फर्दर गाइस, टिल देन बाय एंड अहमदाबाद इज 402 किलोमीटर्स अहमदाबाद. So Surat is 122 kilometers to go. So I'm maintaining my speed around 80 constant and I think that is sufficient taking into consideration jo traffic hai na abhi. Are yaar ye heavy trucks wale ne to pure teeno lane le liye yaar. द बेस्ट पार्ट इज कि ये डिस्टेंस इज इजीली अचीवेबल बिकॉज रोड्स आर टू गुड. बस अगर ये ट्रैफिक नहीं होता ना तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं. सो वी हैव रीच नवसारी सिटी and next city in line is Surat, which is 50 kilometers more. So we are about to reach Surat city. Looks like today is international traffic jam day. Guys, I had just stopped for a hydration break outside Surat और चलो अभी आगे जाते हैं. Lot of distance to cover. Pathetic. And ऊपर से you have to be very careful people with GJ5 drivers. They overtake from the left hand side na. Ekdam carefully left wala bhi mirror dekhna padta hai baar baar. Ye kahan se bhi ghus jata hai. So more 216 kilometers to go. So Ankleshwar mein hum pahunch gaye hai and this city is mainly famous for its pungent chemical smell. बहुत ही गंदा वाला स्मेल आता है एंड अगर आप ऑन द वे हो अहमदाबाद और आपको ऐसा स्मेल आए दैट मीन्स यू आर इन द सिटी ऑफ अंकलेश्वर. यू कैन सी माय लेफ्ट एंड राइट साइड सब केमिकल के फैक्ट्रीज है. ये देखो राइट साइड में एंड आल्सो ऑन द लेफ्ट साइड का ब्रिज. So guys, I'll be going off-road for a while. मेरी एक फ्रेंड है बड़ोड़ा में, शी इज़ नॉट वेल, तो उसके घर जा रहा हूँ मैं अभी. सो वी वर वर्किंग टूगेदर इन माई एक्स कंपनी फोर्ड. तो हम लोग फोर्ड में थे, देन आई लेफ्ट द कंपनी इन 2017, बट शी इज स्टिल देर. सो शी स्टेज इन बड़ोड़ा, तो उसका अभी घर दिखा रहा है अराउंड 9 kilometers फ्रॉम हियर. बाकी यार अभी बड़ोड़ा आना बाकी है तो आई जस्ट टेक अ क्विक डिटूर फ्रॉम द हाईवे, उसके घर जाके उसको मिलके
देन आई विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अहमदाबाद, क्योंकि बाद में फिर मेरे को मिलना नहीं हो पाएगा बिकॉज शी इज़ हियर ओनली फॉर द वीकेंड, एंड मंडे को मैं निकल रहा हूँ कच्छ, तो आई थॉट कि अभी थोड़ा टाइम है तो मिल के आगे चलते हैं, तो दैट्स इट, हेडिंग टुवर्ड्स बड़ौदा सिटी। कहाँ पे? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अंकल आंटी बाय, चलो बाय, चलो अमित बाय। आई एम बैक ऑन द हाईवे अगेन गाइज, एंड अहमदाबाद इज 120 किलोमीटर्स टू गो। आई थिंक इट विल टेक अराउंड 1.5 hour फॉर मी टू रीच देयर। सो आई विल बी स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स प्लेस देयर, हिज नेम इज दर्शक। सो वी वर बोथ वर्किंग विथ फोर्ड, ही इज स्टिल वर्किंग एंड आई लेफ्ट द कंपनी बैक इन 2017, तो मैं उसके घर पे रहने वाला हूँ आज। सो आफ्टर बड़ौदा नेक्स्ट सिटी विल बी आनंद, आई थिंक इट इज रफली अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। यार पेट्रोल पंप दिलवा दो यार, टेंशन आ जाता है। आई वॉज लुकिंग फॉर HP बट आई गॉट एन इंडियन ऑयल। भर दो भरो भरो। And the final moments before the sun goes below the horizon. Wow, मस्त लग रहा है यार। ये देखो सारे कीड़े लगे हुए हैं, और वाइजर का तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। I hope you can see क्या हो गया मेरे वाइजर का। चेंज द बैटरी और GoPro का लेंस भी क्लीन किया, एंड आई एम ऑल सेट अगेन। बस अभी पहुँच के बढ़िया सी शावर लेके गर्मा गर्म खाना खाना है। अभी प्रॉब्लम हो गया कि इतने दोस्त हैं मेरे अहमदाबाद में, अभी एक जगह के यहाँ पे रुका वो डिनर बना रहा है, और एक माय कलीग फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट मेरे एक्स कंपनी में, अभी उसका ही फ़ोन आया था, वो बोल रहा है वो थोड़ा जगह रख पेट में, उसको उधर भी खाना है इधर भी खाना है। ऐसा ही होता है व्हेन यू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स ना, एंड यू आर मीटिंग देम आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये तो होना ही था। गड्ढे क्या है, मून के क्रेटर लग रहे हैं ये। इट्स ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक मुंबई नाउ, ब्यूटी जबरदस्त। सही गया, मैंने देखा था कि कुछ गार्डन, अपने भाई का घर देखो भाई, डीजे चल रहा है, मैडम कहाँ पे है, बारबेक्यू का स्मेल आ रहा है मेरे को।